प्रधानी उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर एसडीएम व सीओ ने पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण। बहराइच के विकास खंड जरवल अंतर्गत ग्राम पंचायत सूसी में उपचुनाव के मद्देनजर मंगलवार को कैसरगंज एसडीएम पंकज दीक्षित व पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनिल कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी अमन कुमार वर्मा, हुजूरपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा द्वारा पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम पंकज दीक्षित ने कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के दिशा निर्देश दिए। 11 फरवरी 2024 को सूसी ग्राम प्रधान शिव प्रसाद यादव का निधन हो गया था। आज दिनांक 6 अगस्त को फिर से उपचुनाव हो रहा है। जनता की माने तो प्रधान पद के प्रत्याशी एक पक्ष के संदीप उर्फ मनीष यादव दूसरे पक्ष के अखिलेश कुमार यादव दोनों प्रत्याशी के बीच घमासान मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा किसके सर पर होगा जीत का ताज और किसको मिलेगी शिकस्त। उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज ग्राम पंचायत सूसी में मतदान हो रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी देना चाहते हैं सर? नमस्कार, मैं पंकज दीक्षित एसडीएम कैसरगंज जी, यहाँ क्षेत्र अधिकारी कैसरगंज श्री अनिल कुमार सिंह जी के साथ जी। यहाँ ब्लॉक जरवल का सूसी का प्रधान पद का उपचुनाव चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। यहाँ पर स्टेटिंग स्टेट है, सेक्टर स्टेट है, थाना हुजूरपुर की पुलिस फोर्स लगी हुई है, दो प्रत्याशी हैं, दो बूथ हैं, लगभग 1400 यहाँ पर मतदाता हैं। 9 बजे तक करीब 17% चुनाव हो चुका है, शांतिपूर्वक है। हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से नज़र रखे हुए हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या कोई उस तरह का न हो पाए, शांतिपूर्वक चुनाव करवाना यही हमारा लक्ष्य है।